हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज गए हैं 11:22, हम लोग हो गए हैं रेडी। आज है 24 मई और हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर। पहले मैं जाऊंगी अपनी मायके, फिर शादी में आ रही हूँ बेटा। और सारी पैकिंग हो गई है, इधर है सारा सूटकेस। दक्षिता भी रेडी है, आरुष भी रेडी है। क्या देखो, कहाँ जा रहे हैं दक्षु? हम लोग अच्छा, तो चलिए चलते हैं। हमारी ट्रेन पहले तो थी 1 बजे की, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया, 1 घंटे लेट हो गई है। लेकिन हस्बैंड की, जैसा कि कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि नाइट शिफ्ट है, तो वो सुबह 8 बजे आए हैं। अभी पूरा टायर्ड हैं, तो ये हुआ कि इन लोगों को जल्दी से छोड़ करके, बिठा करके फिर वापस आ जाएंगे। तो बस अभी हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे और हमें स्टेशन छोड़ करके हस्बैंड चले गए थे वापस घर पे, क्योंकि वो रात भर ड्यूटी करके आए थे ऑफिस से, तो थके हुए थे इसलिए। और ट्रेन काफ़ी लेट थी, 2-2.5 घंटे बाद आई थी ट्रेन हमारी। और फाइनली मीन्स 1 बजे वाली ट्रेन हमें मिली थी 3:30 बजे के आसपास। तो ये फर्स्ट डे का है कुछ, और 3 दिन लगे थे हमें पहुँचने में। तो 1 बजे आने वाली ट्रेन आई है, 3 बजे हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में। ट्रेन चल पड़ी है और इन दोनों भाई बहनों की लड़ाई पूरी स्टार्ट है। आराम से रहो। तो अभी हम लोग पहुँच आज बैठे हैं, पहुँचेंगे 26 को, 24 को बैठे हैं 3 बजे। क्या हुआ? अच्छा, 24 को बैठे हैं 3 बजे। वैसे तो सुबह 9 बजे पहुँचने की टाइमिंग थी, लेकिन अभी ट्रेन लेट हो गई है पहले ही 2 घंटे, तो अब 9 बजे तो पहुंचना पॉसिबल नहीं है। देखते हैं 26 को कितने बजे तक पहुंचते हैं। क्या रखना है? तो बस हम लोगों का स्टार्ट हो गया था सफ़र, और काफ़ी दूर पड़ जाता है वैसे तो। तो ये फर्स्ट डे का कुछ ऐसा था, रात में खाना वाना खा करके सो गए। ये है दूसरे दिन मॉर्निंग के क्लिप। बहुत जल्दी हम लोग उठ गए थे, 6:30 बजे ही उठ गए थे, और सच बताऊँ तो रात भर सही से सो भी नहीं पाए थे हम लोग, क्योंकि कोई ना कोई उतर रहा था, कोई चढ़ रहा था, तो फिर अकेले मैं जा रही थी दोनों बच्चों को लेकर के, तो थोड़ा सा टेंशन तो लगा ही रहता है। और बस अभी दक्षिता को मैं खिला रही थी, ग्रीक योगर्ट है ये, तो उसको पसंद भी नहीं आ रहा था एक्चुअली देखो तो। और ट्रेन भी ऐसी ना कि पेंट्री कार वगैरह भी नहीं थी, चाय वगैरह भी हमें नहीं बल्कि मिल रही थी पीने के लिए। स्टेशन पे कहीं रुक रहा था तब हमें कुछ मिल रहा था खाने पीने के लिए, वो तो अच्छा था। मैं घर से लेकर के अच्छा खासा सामान चली थी, जैसे ना ब्रेड, पीनट बटर जैम, बिस्किट, चिप्स, सब कुछ। बच्चे भी परेशान हो गए थे, इतना लंबा ट्रैवल था, इसलिए काफ़ी टाइम बाद हम लोग ट्रेन से जा रहे थे। वैसे जाते नहीं हैं जल्दी। और यहाँ पे गोरखपुर की ये दोनों लोग मिल गई थी हमें, और दक्षिता के साथ बहुत अच्छे से खेल रही थी, तो बस मैंने कैप्चर कर लिया था। और ये दूसरे नाइट की क्लिप है, दो रात हो गई थी हमें ट्रेन में ही। दक्षिता, अगर मान लो भाई चांस सामने भी ट्रेन आ रही है, अच्छा कितने शांति से बैठी है देखना। बकवास चाय। घाघरा घाट सूखा पड़ा है, इधर है थोड़ा सा पानी बस।
मेट्रो कब पहुंचेंगे? 3 मिनट में दिखाना अपना 3 मिनट। अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? हम लोग कहाँ रुके हैं? चल रहे हैं धीरे धीरे। जहाँ पहुँचना था सुबह 7 बजे वहाँ हम लोग पहुँचे हैं 12:30 बजे। तो कुछ इस तरह से हमारा सफर था, 2 रात और 3 दिन का। बहुत ज्यादा हम लोग झेल गए थे, ट्रेन बहुत ही ज्यादा लेट हो गई थी, 5-5.5 घंटे के करीब करीब। तो खैर गोरखपुर आ गया था और मेरा छोटा भाई आ गया था हमें लेने के लिए स्टेशन पे ही। थोड़ा सा लेट हो गया था, जो से अपनी गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह भी करानी थी, तो ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट लेट हुआ था, लेकिन आ गया था फिर टाइम से। और स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर है भी नहीं मेरा घर, आप लगा लो 12-15 मिनट की ही दूरी पर है, बहुत ज़्यादा होगा तो 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं है। और दोपहर में था तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, शाम को अगर रहता तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है कभी कभी। तो बस अभी घर जाएंगे, नहाना धोना है, 2 दिन से नहाया नहीं है हमने। तो बस ऐसा था कुछ हमारा सफ़र। और बस अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर पे, ये है मेरा मायके वाला घर। माही, और ये है माही मेरे भाई की बेटी। बहुत खुश हो रही थी हमें देख करके, पहले तो पहचान ही नहीं रही थी, सोई हुई थी, लेकिन अभी जब तक हम लोग नहा धो करके फ्रेश हुए तब तक जग गई थी ये भी। हेलो गाइस, तो अभी शाम के बज गए हैं 4 और नहा धो करके खाना वाना खा करके हम लोग हो गए हैं फ्री। आओ ना बेटा, छोड़ दो। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, इसके बाद से दूसरा ब्लॉग कल से या फिर आज शाम से स्टार्ट करूँगी। मम्मी मेरी है नहीं, उन्हें कहीं जाना था, मतलब रिश्तेदारी में शादी है किसी की, तो आज कोई फंक्शन है, शादी नहीं है आज, कोई फंक्शन है। तो मम्मी, भाई, पापा और मेरे भाई का बेटा सब लोग उधर गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में मम्मी आ जाएंगी। तो बस ये था आज का ब्लॉग, हम लोग अभी घर गोरखपुर पहुंच गए हैं मेरे मायके। तो अभी इस ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।